पूरा देश नवरात्रि पर्व पर मां की आराधना में डूबा हुआ है। वहीं राजगढ़ में एक कलयुगी नाबालिग बेटे ने मोबाइल के लिए अपनी मां की जान ले ली। मोबाइल के कारण एक बेटे द्वारा अपनी मां की हत्या की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक एक नाबालिग बालक ने अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए अपने परिवार से मोबाइल की मांग की। मांग पूरी न करने पर बालक ने गुस्से में आकर अपनी मां पर चाकू से वार कर दिया और घबरा कर मौके से फरार हो गया। मामले की सूचना लगते ही थाना कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल पर जाकर पता चला कि महिला की हालत गंभीर होने से परिजन महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। थाना कोतवाली पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उनके परिजनों से पूछताछ की तो पता चला कि घर का छोटा लड़का दोपहर से ही घर से गायब है। महिला के शव का परीक्षण कराने उपरांत और अधिक जानकारी हासिल करने पर पता चला कि अपने बड़े भाई गोविंद साहू से मोबाइल दिलाने की बात को लेकर कुछ विवाद हुआ था। बड़े भाई के पास अच्छा मोबाइल देखकर छोटे भाई को भी महंगा मोबाइल चाहिए था। नहीं देने पर अपने बड़े भाई का मोबाइल उससे बिना बताए लेकर कहीं चला गया। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि उक्त बालक सट्टा एवं नशे का आदि था। मामले की सूचना लगते ही बालक की पतारसी के लिए जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा द्वारा तत्काल एक टीम का गठन किया गया एवं सहायतार्थ साइबर सेल की टीम को काम पर लगाया गया। उक्त बालक को ब्यावरा बस स्टैंड पर देखा गया। तत्काल ब्यावरा पुलिस को तस्दीक के लिए मौके पर भेजा गया, लेकिन तब तक उक्त बालक वहां से जा चुका था। टीम ने साइबर से लगातार संपर्क बनाए रखा है और आखिरकार उक्त बालक को जीआरपी पुलिस की मदद से शाजापुर रेलवे स्टेशन से पकड़ने में सफलता हासिल की है। मोबाइल खरीदने की बात को लेकर झगड़ा हुआ था, तब ये बात क्लियर हुई, तब हमने छोटे भाई को जब ढूंढना चालू किया तो छोटे भाई ने पता चला कि जो बड़े भाई का मोबाइल है वो छोटा भाई ही चुरा कर ले गया था। और मोबाइल ले जाते ही वो इसी बीच उसकी अपनी माँ से कहा सुनी हुई और उसने जो सब्जी छीलने वाली जो छिल्ली होती है उससे अपनी माँ के स्वयं की माँ के गले पर एक वार किया, जिससे माँ के गले में एक चोट आई, इनसाइज वुंड था और वो काफ़ी लुहालुहान हो गई। उसके बाद उसने उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए और क्योंकि वो स्वयं की माँ थी उसको थोड़ी सी घबराहट हुई, उसने उस पूरे वाक्य को ढकने के लिए जो घर में स्टोल पड़ा हुआ था और चद्दर था उस पूरे से माँ को ढकने का प्रयास किया। इसी बीच में पूरे घर में खून फैल गया जो माँ की बॉडी से निकल रहा था। फिर उसने घटनास्थल पर ही पूरा खून कोल्ड ब्लड में धोया और उसके बाद जो घर का बाहर का दरवाजा था, जो मेन गेट था, उसके अंदर से चटकरी लगा के वो पीछे के दरवाजे से फरार हो गया। राजगढ़ से नितेश सोनी की रिपोर्ट।